आज दोस्तों हम रोड साइड पे बिकने वाले छोले बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रोड साइड वाले छोले कौन से हैं? अरे भाई वही छोले जब हम रोड पर जाते हैं तो छोला पूड़ी, छोला चावल या छोले भटूरे के रूप में सर्व किए जाते हैं, पर किस्मत से बहुत कम दिए जाते हैं। खैर जो भी है, इनका स्वाद शादी वाले छोले से और जो घर पर हम छोले बनाते हैं उनसे काफ़ी हटके होता है, क्योंकि ये बनते भी काफ़ी अलग तरीके से हैं और इसमें कई सारे तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिल्कुल तरीके से अवॉइड किए जाते हैं, पर हम क्या करते हैं, उन्हें हमेशा डाल देते हैं। इसीलिए उन छोलों का स्वाद और घर की बनी हुई सब्जी का स्वाद एक सा लगता है और इन छोलों का स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा। और देखने में कैसे लगते हैं भाई, वो तो आप देख ही रहे होंगे, काले काले और एकदम से थिक ग्रेवी के साथ। अब भाई छोले बना रहे हैं तो इसे मार्केट के तरीके से सर्व भी कर लेते हैं। ये लिए मैंने थोड़े से चावल और अब डाल देंगे इसके ऊपर हम छोले। अब इस हरी मिर्च का स्वाद भी काफ़ी हटके आता है। अब इसे मैंने कैसे बनाया वो भी आप इस रेसिपी में देख लेना। और अब डाल देंगे इसके ऊपर हम प्याज। बस तैयार है मार्केट वाले गर्मा गर्म छोले चावल। चलिए तो बिना देरी के हुए फटाफट से इसे बना भी लेते हैं। हाय गाइस, आपके अपने रेसिपी से एक बार स्वागत है। आज दोस्तों हम छोले बनाएंगे, वो भी रोड साइड पे बिकने वाले। वैसे तो छोले बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कि हलवाई वाले अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग इसमें आलू डाल देते हैं, कुछ लोग इसमें टमाटर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे तरीके से इसे बनाया जाता है। फिलहाल हम रोड साइड पे बिकने वाले बनाते हैं। रोड साइड बोले तो मतलब जहाँ हम छोले कुलचे खाते हैं या छोले चावल, छोले पूड़ी या छोले भटूरे इनको खाते हैं, पर देखने में इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, पर ये जो है एकदम से काले काले बनते हैं, यानी कि वही रोड साइड पे बिकने वाला स्वाद और बहुत कम तेल के साथ। चलिए तो फिर बिना देरी के रोड साइड के छोले बना लेते हैं। तो फिर इसे बनाने के लिए लेंगे सबसे पहले हम काबुली चना, यानी कि छोले, लगभग 170 ग्राम। ये मैंने छोटे वाले काबुली चना लिए हैं जो फूल कर इस तरीके के हो गए हैं। वैसे तो आप बड़ा वाले भी ले सकते हैं, लेकिन जो मार्केट वाले बनाते हैं वो इसी तरीके का छोटा छोला लेते हैं, जिससे कि जो उनका छोला है वो मसाले में अच्छी तरीके से कोट हो जाता है और मुंह में भी उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। खैर मैंने इसे 7 से 8 घंटे अच्छी तरीके से पानी में सोक कर लिया था, ताकि जब इन्हें उबालें तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से उबल जाएं। अब लेंगे एक हम कुकर और इसमें डाल देंगे हम छोले यानी कि चना, और अब डालेंगे इसमें हम पानी लगभग 600 ml जितना। यहाँ पर हमें पानी बहुत कम नहीं डालना है, थोड़ा सा बढ़ा कर ही रखें। और अब डालेंगे सूखा हुआ आंवला, यह पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसके बगैर मार्केट वाला छोला इम्पॉसिबल है। और अब लेंगे हम साबुत मसाले, जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ता लिए हैं यानी कि बे लीव्स, लगभग 20x22 काली मिर्च, 4 लौंग, लगभग 2 इंच के टुकड़े दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी जावित्री। आप यहाँ पर छोटी वाली इलायची भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी को हम कर देते हैं एक साइड और ले लेते हैं एक मसालों को कूटने वाला कूटदान। और अब इसमें डाल देते हैं हम लौंग और काली मिर्च और इनको हम थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। बिल्कुल इसमें बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा सा बस क्रश करना है, क्योंकि काली मिर्च और लौंग का सिर्फ हमें इसमें फ्लेवर लाना है, ना कि इसका स्वाद। ये दोनों मैंने कूट लिए हैं तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब कूट लेते हैं हम 1 बड़ी इलायची। इसको भी हम ज़्यादा नहीं कूटेंगे, बस इसके हमें बीज बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमने मसाले कूट लिए हैं तो अब क्या करना है, अब चलते हैं कुकर की तरफ और अब डालेंगे 2 तेज़पत्ता यानी कि बे लीव्स। मैंने यहाँ छोटे तेज़पत्ते लिए हैं। और अब लेंगे हम इस तरीके का सूती रूमाल और अब इसमें डाल देंगे लगभग 2.5 टेबल स्पून जितनी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती की मात्रा आप 2.5 से 3 टेबल स्पून से कम ना रखें, नहीं तो मार्केट जैसा कलर और स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। और अब डालेंगे सभी साबुत मसाले इस रूमाल में और अब इसमें लगा देंगे एक हम गांठ। गांठ हमें इस तरीके से लगानी है कि जो हमारा मसाला है वो बाहर ना आए, बस इसका हमें फ्लेवर चाहिए, ना कि मसाला इसके अंदर। अब डाल देंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना नमक, इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जिससे अच्छी तरीके से उबल सकें। अब डालेंगे मसाले की पोटली जो मैंने बनाई थी। मुझे पानी इसमें कम लग रहा है तो लगभग 1/2 गिलास पानी और डाल देता हूँ। और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे, लगभग 2 से 3 सीटी आने तक। जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए ले लेंगे हम यहाँ पर प्याज, लगभग 3 मीडियम साइज़ के। और अब इसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा साबुत साबुत पीसना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल स्मूथली यानी कि बारीक नहीं पीसना है। लीजिए प्याज हमारा पिस चुका है, बस हमें इस तरीके का इसे रखना है। ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा ये एकदम से बारीक नहीं पिसा है, हल्का सा इसमें खड़ा खड़ा रहा है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिएगा मैंने बिल्कुल इसे बारीक नहीं पीसा है, बस हमें इस तरीके का प्याज रखना है, तभी हमारे छोले का स्वाद एकदम से मार्केट वाला आएगा। अब ले लेते हैं हम 1 कटोरी और इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए मसाले। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून जितनी धनिया पाउडर, 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गर्म मसाला
और अब डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना अनारदाना, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके बगैर जो आपके छोले हैं उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि छोले को थोड़ा सा खट्टा कर देंगे। और अब डालेंगे हम 3/4 टेबलस्पून जितना किचन किंग मसाला, और इसी के साथ डालेंगे लगभग 1/4 टेबलस्पून जितना छोला मसाला। इसे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें अनारदाना और अमचूर पाउडर पहले से ही ऐड होता है। और अब डालेंगे इसमें लगभग 1/2 टेबलस्पून जितना नमक। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नमक हमने छोले में पहले ही डाल दिया है। और अब डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जितना जीरा पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में, और अब डालेंगे हम लगभग 1/2 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी। इसी के साथ डाल देंगे 3/4 कप जितना पानी, और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। लीजिए, मसाला तो हमारा पीसकर तैयार हो गया है। देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आया है। बस छोले बनाने के लिए सिर्फ हमें इतना ही मसाला चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मैंने इसे गीला इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमें टमाटर नहीं डालना है, तो जैसे ही हम मसाला डालेंगे तो ये जलने लगेगा। इसीलिए जब भी आप छोले बनाएं तो पहले मसालों को थोड़ा सा गीला कर लें और उसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लें, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए मसाले। अब मसाले हमारे तैयार हो गए हैं और प्याज भी पिसकर तैयार है, तो देख लेते हैं छोलों का क्या हाल है। ये देखिएगा, जैसे ही मैंने इसे खोला इसका कलर देखिएगा एकदम से ब्लैक आया है। मैं छोले भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा सारे के सारे छोले काले हैं। अब चने को तोड़कर चेक कर लेते हैं, बस हमें ऐसा ही उबला हुआ चना चाहिए। अब छोलों को निकाल लेते हैं एक चलनी में, इसके लिए हम चलनी ले लेंगे। और अब निकाल लेंगे इसमें हम छोले। यहाँ पर जो मैंने छोले निकाले हैं उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है, ताकि इसका जो पानी है उसके अंदर स्टोर हो जाए। और अब इसके ऊपर की जो पोटली है उसको हटा देंगे और फेंक देंगे एक साइड। लीजिए, छोले तो हमारे अच्छी तरीके से उबल चुके हैं और पानी भी हमारा पर्याप्त निकल आया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हमारी छोले की ग्रेवी थिक भी होगी और जो मार्केट वाला कलर है वो भी आएगा। अब इसको कर लेते हैं हम एक साइड और गैस की फ्लेम को कर लेते हैं हम ऑन। और अब इस पर रख देते हैं एक कढ़ाई, और अब डाल देंगे इसमें हम सरसों का तेल लगभग 2 बड़े चम्मच। अब इसको हम अच्छी तरीके से धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। अब तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है, तो इसमें से लगभग 3/4 बड़ा चम्मच तेल बाहर निकाल लेते हैं। इससे हम बाद में तड़का लगाएंगे छोले में। अब तेल को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तेल ठंडा हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, और इसको मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, प्याज जितना अच्छी तरीके से भुनेगा आपके छोले उतने ही अच्छे बनेंगे, और उसके अंदर जो मिठास आती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इसे इतना ज़्यादा भी ना भूने कि जो स्वाद में कसेलापन आ जाए। आपको इसमें तेल बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मार्केट वाले तो ऐसे ही बनाते हैं बहुत कम तेल के साथ काले काले छोले। अब प्याज हमारा भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे जो मैंने मसाला बनाया था उसको। मसाला थोड़ा सा कटोरी में लगा रह गया है, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हम भूनेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है उसे हाई नहीं रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला। जी हाँ, जो मार्केट वाले छोले बनाते हैं वो टमाटर बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं या डालते ही नहीं हैं। खैर, मैंने बिल्कुल टमाटर का यूज नहीं किया है, क्योंकि टमाटर डालने से छोले बनते हैं उसका स्वाद एकदम से नॉर्मल वाली सब्जी के तरीके से आता है। अब मसाले को भुनते भुनते लगभग 6 मिनट हो गया है, तो मसालों में डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि मसालों में अच्छी तरीके से लस आ जाए। और अब डाल देंगे इसमें हम छोले, और अब इसको भून लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से। अब मार्केट वाले क्या करते हैं, जो वो छोले होते हैं उसको इसी स्टेज पे बंद कर देते हैं, और इन छोलों को निकाल लेते हैं एक बड़ी सी परात में, और फिर क्या करते हैं, जिस पानी में छोले उबले थे उस पानी को इसमें डालते रहते हैं और अपने छोलों को सर्व करते रहते हैं। बस वो इतना ही करते रहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो उनके छोले हैं उसकी थिकनेस बरकरार रहती है। खैर, हमें घर के तरीके से बनाना है, इसीलिए इसमें हम छोले का बचा हुआ पानी डाल देते हैं, और अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने देते हैं। वैसे भी इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पानी पहले से ही पका हुआ है और छोले भी हमारे पके हुए हैं, तो बस छोले हमारे 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। लीजिए, छोलों में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, तो इसे 1-2 मिनट और पका लेते हैं। बस छोले तो हमारे तैयार हैं, तो अब क्या करेंगे, इनको एक साइड रख देंगे गैस की फ्लेम बंद करके। अब हम फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, और इस पर रख देते हैं एक तड़के वाला पैन, और अब डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल जो मैंने प्याज भुनने से पहले ही निकाल लिया था। अब इसको हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम कुचला हुआ लहसुन। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूनना भूल गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर कुचला हुआ लहसुन बाद में ऐड कर देता हूँ। आप प्याज के साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लें, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसे ऐड ना करें। अब लहसुन हमारा हल्का सा भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम अदरक के लच्छे, और इसी के साथ डाल देंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च में हल्का सा चीरा लगा दिया है बीच से,
बिल्कुल मैंने इसे अलग अलग नहीं किया है, बस हल्का सा चीरा लगाया है ताकि जो हमारी हरी मिर्च है वो फटे नहीं। अब इसको हम स्लो फ्लेम पर भुनने देंगे। लीजिए तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये देखिएगा छोलों में कैसा मार्केट जैसा कलर आया है और थिकनेस देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी आई है। बस वो तो एक चम्मच छोले रखते हैं और उसी से हम दो पूड़ी खा जाते हैं। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके की हांडी ले रहा हूँ और इसमें निकाल लेंगे अब छोले। अब तड़का रेडी है और छोले भी बनके तैयार हो गए हैं, तो अब क्या, अब इसमें डाल देते हैं हम तड़का। अब हमने तो पंजाबी वाले पिंडी छोले बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो आप कब बना रहे हैं इसे? जब बनाएं अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और इसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।